भागलपुर में एक टीचर के पढ़ाने के तरीके से लोग घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि शिक्षिका का नाम मीनाक्षी जितेंद्र सिंह है। इनके पढ़ाने के तरीके आजकल काफ़ी वायरल हो रहे हैं। आईएएस दीपक कुमार सिंह ने भी ये वीडियो शेयर किया है और शिक्षिका की सराहना की है। शिक्षिका मीनाक्षी ने बीकॉम की पढ़ाई की है। शिक्षिका तीसरी से पाँचवीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाती है, जो सरकारी विद्यालयों में शायद आठवीं तक के बच्चे सीख पाते हैं। शिक्षिका ने बताया कि उनके स्कूल में इस तरह की पढ़ाई होती है, बच्चे खेल खेल में खुशी से पढ़ते हैं, सीखते हैं। वहीं डीएम सुब्रत सिंह ने कहा कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अगर बच्चों में शिक्षा का संचार होता है, जिससे बच्चे भी आकर्षित होते हैं और स्कूल भी आते हैं। Very good. What is your mother's name? My mother's name is Miss Sir. Very good. और एक poem के द्वारा हम लोगों ने सीखा भी है ना? Finger nudge. हाँ, पुड़िया त्रिया खाते रहता है। क्या था? घोंसले में अंडे थे। ओके, अंडे में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खेल खेल के माध्यम से बच्चे तो बहुत जल्दी सीखते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनके भाषाओं में उनके साथ खेल के इस चीज़ को वो जितने जल्दी सीखते हैं, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि खेल के गतिविधि द्वारा उन्हें सिखाया जाए। बच्चे भी इच्छुक होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। टिफिन के बाद की मतलब क्लासेस में एक एक्टिविटी होगी जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और बहुत उत्सुकता से बच्चे सीखते हैं। इसी की ज़रूरत है आज के समय में। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक जो कार्य हैं उनका अगर संपादन होता है तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है और बच्चे भी आकर्षित होते हैं पढ़ाई के प्रति, स्कूल आने के प्रति। तो लगातार हम लोगों का प्रयास है कि इस तरह के जो नए नवाचार हैं, जो कई शिक्षक अपने स्तर पर इन सारी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में